इटावा में एक मजदूर की करंट लगने से मौत के बाद न्यायिक की कहलाते हुए परिजनों ने सबको रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कोतवाली इलाके में नौरंगाबाद चौराहे पर सबको रखकर प्रदर्शन किया गया। सबको रखे जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस अमले में हड़कंप मच गया। जिस मजदूर की करंट लगने से मौत हुई है उसका नाम शकील है। मूल रूप से कोतवाली इलाके में उर्दू मोहल्ले के पास का रहने वाला था। ऐसा कहा जा रहा है कि सिविल लाइन इलाके में किसी घर में पुताई का काम करने के दौरान करंट लगने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ना ही उसका मुकदमा लिखा और ना ही मांगने की कोई प्रक्रिया अपनाई। इसी को लेकर परिजनों ने देर शाम शकील के सबको नौरंगाबाद चौराहे पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसा परिजनों की मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मृतक परिवार को मुआवजा प्रदान किया जाए। फिलहाल पुलिस अधिकारियों के भरोसे पर सबको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए परिवारजन तैयार हो गए। शकील के परिजनों की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर तत्कालिक तौर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर, एक युवा की करंट लगने से मौत हुई थी, परिजनों ने बवाल किया है, क्या पूरा मामला था और क्या स्थिति है? एक व्यक्ति जिसका नाम शकील है, उम्र लगभग 32 वर्ष, उसकी आज पेंट करते समय, मजदूरी करते समय एक करंट लगने से मृत्यु हो गई है, जिसके बाद उसका पीएम पंचायत में भर के पीएम की कार्रवाई करवाई गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ कन्फ्यूजन था उनको कि हमारा मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा है। इस कन्फ्यूजन के कारण उन्होंने कुछ रोष व्याप्त था, असंतोष व्याप्त था, जिसके क्रम में मुकदमा पंजीकृत करके पूर्व से तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। यही था कि उनको कुछ कन्फ्यूजन था कि हमारा मुकदमा नहीं पंजीकृत किया, जो कि डायरेक्ट वहाँ ने थाने जाकर यहाँ पर आ गए और वो संतुष्ट कर दिया गया, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अब कोई लॉन्ड्री सिचुएशन नहीं। पीड़ित तो कहना है कि थाने में गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह से जाम लगाना, ऐसी शिकायतें प्राप्त है, उसका संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।